बीते दिनों बिहार में हुए मिड डे मील हादसे पर नीतीश सरकार पर जमकर बरसे बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने मिड डे मील हादसे के लिए नीतीश सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। सरकार के एक विभाग के मंत्री ने निष्कर्ष पहले ही निकाल दिया, कौन लोग दोषी हैं, क्या साजिश है, जांच रिपोर्ट का इंतजार किए बिना उन्होंने निष्कर्ष निकाल दिया। लेकिन जो उन्होंने निष्कर्ष निकाले, जो तथ्य सामने आ रहे हैं, वो उससे भिन्न तथ्य सामने आ रहे हैं। और यह भी जानकारी मिल रही है कि जो लोग अस्पतालों में भर्ती हैं, उन पर दबाव डालकर बयान दिया जा रहा है। वहीं मोदी ने अस्पताल पर भी लापरवाही के आरोप मढ़े और बच्चों की बिगड़ती हालत का जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि पीड़ितों को गलत दवाई दी गई है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर ने, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि जानबूझकर किया होगा, लेकिन उसको जो समझ में आया उस ड्रग बोलते हैं, यानी उल्टी रोकने वाली दवा। अगर किसी को उल्टी हो रही है, नौसिया है, तो उसको जो दवा दी जाती है वो दवा दे दिया गया, जिसका परिणाम हो गया कि उल्टी कराने के बजाय उल्टी रुक गई और कुछ बच्चों के शरीर में जहर जो बाहर निकल सकता था और जहर फैल गया। बता दें कि बीते दिनों बिहार के स्कूल में मिड डे मील हादसे में 23 बच्चों की मौत हो गई थी। न्यूज़ पॉइंट।